नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की। दुर्ग पुलिस का सिपाहियों की गिरफ्तारी का खंडन किया गया, जहां तेलंगाना पुलिस द्वारा दुर्ग पुलिस के 4 सिपाही की थी खबर। दुर्ग पुलिस ने मामले को लेकर बयान दिया। दुर्ग पुलिस पहुंची थी हैदराबाद, महादेव सज्जा केस में एक्शन के लिए पहुंची थी पुलिस, और भनक लगते ही एक आरोपी ने छत से छलांग लगा दी थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दुर्ग पुलिस का सिपाहियों की गिरफ्तारी का किया गया खंडन। तेलंगाना पुलिस द्वारा दुर्ग पुलिस के 4 सिपाही की थी खबर, और दुर्ग पुलिस ने मामले को लेकर बयान दिया। दुर्ग पुलिस पहुंची थी हैदराबाद, महादेव सज्जा केस में एक्शन लेने के लिए, और भनक लगते ही एक आरोपी ने छत से छलांग लगा दी थी। कार्रवाई के लिए हैदराबाद गए हुए थे। उसी बीच सट्टा ऐप के माध्यम से खिलाने की सूचना पर हमारी टीम ने वहां दबिश दी, जिसमें एक आरोपी छत से कूद गया, जो चोटिल हुआ, जिसको लेकर के थाने गए थे। किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि दुर्ग पुलिस को हैदराबाद पुलिस ने बैठा दिया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम हैदराबाद पुलिस के संपर्क में हैं, जल्द ही आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड मिलने पर यहाँ लाया जाएगा। तो देखिए, जल्द ही ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा, और दुर्ग पुलिस के सिपाहियों के अरेस्ट का जो खंडन है किया गया है, तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की खबर थी और अब इस पूरे मामले में स्पष्ट हुआ है। और संवाददाता मिथिलेश लाइव जुड़ गए। मिथिलेश, पूरा ये मामला बताइए क्या है। देखिए, आज सुबह से एक खबर जो वो तेजी से जो वायरल हो रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि तेलंगाना पुलिस ने जो छत्तीसगढ़ से पहुंचे हुए आरक्षक, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसका जो है पुलिस ने खंडन किया है। इनका ये कहना है कि कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं की गई है, बल्कि यहाँ से जो है एक लीड मिली थी महादेव ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों की, कि हैदराबाद में वहाँ भिलाई के कुछ युवक हैं, वहाँ पहुंचे हुए और सट्टा खिलाया जा रहा है। बस टीम की ये गलती रही कि उन्होंने वहाँ की स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी, डायरेक्ट रेड करने के लिए पहुंच गए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। रेड करने के दौरान में वहां पर जो सट्टा खिला रहे थे, उन लोगों को भनक लग गई। उनमें से एक जो आरोपी है वो छत से कूद कर घायल हो गया था, जिसको लेकर पुलिस पहुंची हुई थी, और इसी बात को लेकर शायद ये खबर ऐसी उड़ गई कि सभी को हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो इस पूरे मामले का खंडन किया है पुलिस ने। दुर्ग पुलिस का यह कहना है कि जो भी आरोपी हैं इस मामले में, महादेव और सट्टा से जुड़े हुए, उनको जल्दी दुर्ग पुलिस लेकर लौटेगी। तो इसके मामले का खंडन करते हुए ये कहा गया है कि महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, और जो भी इससे जुड़े हुए तार हैं वहाँ पर दबिश दी जा रही है। और इसी के तहत में दुर्ग पुलिस जो हैदराबाद पहुंची हुई थी, और हैदराबाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और जल्दी ट्रांजिट रिमांड में उनको लेकर जो है वो दुर्ग पुलिस वापस लौटेगी। जी बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहिए मिथिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि इस पूरे मामले का खंडन किया गया है। तो वही भिलाई गोलीकांड में बड़ा अपडेट मिला है, जहां आरोपी के परिजनों पर मामला दर्ज किया गया है। अमित जोश के परिजनों पर मामला दर्ज हुआ है। माँ बहन जीजा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, संगठित अपराध में शामिल होने का आरोप लगा है। आरोपी के घर से बरामद हुआ था पिस्टल, मैगजीन, कारतूस, और कल आरोपी के घर पर चला था बुलडोजर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिलाई से, जहां गोलीकांड में बड़ा बेट मिला है। आरोपी के परिजनों पर मामला दर्ज किया गया, अमित जोश के परिजनों पर मामला दर्ज हुआ है। माँ बहन जीजा के खिलाफ FIR दर्ज की गई, संगठित अपराध में शामिल होने का आरोप लगा है। आरोपी के घर से बरामद हुआ था पिस्टल, मैगजीन, कारतूस, कल आरोपी के घर पर चला था बुलडोजर। बड़ी खबर, और सिद्धू करेंगे संवाददाता मिथिलेश जुड़े। मिथिलेश, गोलीकांड में बड़ा अपडेट मिला, आरोपी के परिजनों पर मामला दर्ज हो चुका है। जी बिल्कुल रुनू, दुर्ग पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जो है आगे बढ़ा दी है। उसी के तहत में कल जो है अमित जोश के जो दो ठिकाने थे वहां पर दबिश दी गई थी, और भिलाई स्टील प्लांट और पुलिस ने वहां पर दबिश दी थी, जिसके तहत में भिलाई के सेक्टर 6 के मकान को पूरी तरह से तोड़ा गया था। और उसके बाद में जो टीम थी वो भिलाई के सेक्टर 5 में भी पहुंची थी, जहां पर अमित जोश का जीजा और बहन वहां पर रहते थे। जब उनकी तलाशी ली गई तो काफी कुछ पुलिस को बरामद हुआ है, जिसके तहत में
जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ खोखे बरामद हुए हैं, एक पिस्टल बरामद हुआ है, दो मैगजीन बरामद हुई है। इस पूरे मामले को यदि देखा जाए तो जो आरोपी के साथ में कहीं ना कहीं परिवार वाले भी जुड़े हुए थे, जिनको पूरी सी जानकारी थी कि जो उनका बेटा है वो क्या कर रहा है, और उन्होंने उसकी सहायता की, उसको बताने के बजाय पुलिस को उसकी सहायता की थी। और इसी के तहत में जो जिसका उपयोग किया गया था पिस्टल, वो पिस्टल बरामद हुई है, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और उनकी तफ्तीश करने में ये भी मालूम चला है कि उनके परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं अपराधों में लिप्त रहे हैं, इसी वजह से उनके खिलाफ में भी कार्रवाई की गई है। उसकी माँ, बहन और जीजा तीनों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत में एक और बात सामने यह आई है कि जो मुख्य आरोपी है अमित जोश, वो बलौदा बाजार में छुपा हुआ था, जिसको दो लोग सहयोग कर रहे थे, जिसमें से एक को पकड़ा गया है। तो इस तरह से इस पूरे मामले में 9 लोग शामिल हैं, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 4 अभी शेष है। पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही जो शेष आरोपी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से पूरा मामला सामने आया। और अब बिलासपुर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर युवक ने वर्दीधारी सिपाही को थप्पड़ मारा। वहां मारपीट का जो वीडियो है, झूमर झटके वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के बाद धक्का मुक्की करते हुए युवक नजर आ रहा है। रतनपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां युवक ने वर्दीधारी सिपाही को मारा थप्पड़। मारपीट का और झूमर झटकी का ये वीडियो सामने आया है। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जब बातचीत हो रही थी और अचानक से एक युवक पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ देता है। क्या है ये पूरा मामला, जांच का विषय। कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के बाद धक्का मुक्की करते हुए युवक नजर आया। रतनपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है और काफी चौंकाने वाला ये पूरा मामला सामने आया है, जब अचानक से एक युवक पुलिस कांस्टेबल पर थप्पड़ जड़ देता है। वही जगदलपुर में महिला से छीनी चेन, दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन छीनने का मामला सामने आया। कान की बाली और अंगूठी लेकर भागे बदमाश। मंदिर से लौट रही थी बुजुर्ग महिला, दो बाइक सवार ने दिया वारदात को अंजाम। पता पूछने के बहाने पर्स में रखा सामान ले उड़े चोर। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जगदलपुर में महिला से चेन छीनने का मामला सामने आया। दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन छीनी गई, कान की बाली और अंगूठी लेकर भागे बदमाश। मंदिर से लौट रही थी बुजुर्ग महिला, दो बाइक सवार ने वारदात को अंजाम दिया। पता पूछने के बहाने पर्स में रखा सामान ले उड़े चोर। कान के उतारी और अंगूठी उतारी और उसने ये बोला कि मतलब क्या रखे हो, तो मैं बोली मैं अपने पर्स रहता मंदिर जाती हूँ। वो पता नहीं वो पर्स कैसे उन्होंने लिया मेरे हाथ से, पता नहीं मेरे को कुछ नहीं मालूम है। फिर मैं ना ऐसा पलटी, मतलब मेरा नज़र वो हुआ तो पलटी देखती तो दोनों गायब, दोनों गायब। तो मैं चिल्लाई वहाँ आसपास टेलर लोग, ए भैया वो दोनों जन थे तो कहाँ गए, कहाँ गए, मेरा सब लेके भग गए करके। और संवाददाता श्रीनिवास जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बुजुर्ग महिला से चेन छीनने का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरी जानकारी, आरोपी का कुछ पता चल पाया है? देखिए, आज जो बुजुर्ग महिला है रोजाना की तरह अपने घर से मंदिर की ओर जा रही थी और मंदिर से वापसी के दौरान जो संजय मार्केट का इलाका है, काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, वहां पर मंदिर की महिला के सामने दो युवक अचानक पहुंच जाते हैं और युवक बुजुर्ग महिला से पता पूछने के बहाने बात करने की कोशिश करते हैं। जब बुजुर्ग महिला कुछ बता नहीं पाती तो उनके जो पर्स में रखा चेन है, सोने का चेन, अंगूठी और कान की बाली, ये पर्स में रखने के बाद जब युवक जब बात कर रहे थे तभी उनके पर्स को छीन के भाग गए हैं। मामले की जानकारी लगते ही आसपास के लोगों को जब बुजुर्ग महिला ने आवाज दी, लेकिन वो दोनों युवक फरार हो गए और मामला कोतवाली थाने तक पहुंचा, जिसके बाद कोतवाली पुलिस अलर्ट हो गई और पूरे शहर में नाकाबंदी करने की बात बस्तर पुलिस ने की है। फिलहाल जो आरोपी है उनकी पतासाची की जा रही है और अभी पकड़ से बाहर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए, आरोपी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी उसे ढूंढ निकाला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में चला बुलडोजर, जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, रसूखदारों ने किया था कब्जा। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में बुलडोजर चला, जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त, रसूखदारों ने कब्जा किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
तो ये देखिए तस्वीरें, जब रसूखदारों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, बिलासपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, रसूखदारों ने कब्जा कर रखा था इस जमीन पर, अतिक्रमण को हटाया गया? निश्चित रूप से देखिए, ये मामला पिछले कई सालों से चल रहा है। यहाँ पर ये सरकारी जमीन थी, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ पर नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। पटवारी हल्का नंबर 39 और ये जो भूमि है इसमें लगभग 4-5 ऐसे भूमि थी जो सरकारी थी, जिसको कमजोर या गरीब वर्गों के लिए आरक्षित करके रखा गया था, लेकिन कुछ ऐसे भूमाफिया रसूखदारों ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट ने आज निर्देशित किया और यहाँ पर अतिरिक्त तहसीलदार के निर्देश के बाद यहाँ पर जो टीम है नगर निगम की, वो अतिक्रमण की कार्रवाई करने पहुंची और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था और बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार नगर निगम के जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और जितने भी अवैध कब्जे हैं या नगर निगम के या सरकारी जमीनों पर या मकान बना दिया गया या दुकानों को बना दिया गया, उस पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है और वो देखी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। तो इस तरीके से अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और लगातार एक्शन लिए जाने का दावा किया गया है। रायपुर के बाल सुधार गृह से 10 नाबालिग बच्चे फरार हो गए। फरार बच्चों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। फरार बच्चों की तलाश में पुलिस जुट गई है। माना बाल सुधार गृह से भागे हैं नाबालिग बच्चे, खिड़की तोड़कर ये नाबालिग फरार हुए हैं। दीवार फांदकर भागे नाबालिग, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है जब बाल सुधार गृह से जो नाबालिग आरोपी होते हैं वो भाग जाते हैं। और एक बार फिर से ऐसे ही कुछ मामला, खिड़की तोड़कर नाबालिग यहां से फरार हो गए हैं। रायपुर के बाल सुधार गृह से 10 नाबालिग फरार हुए। फरार बच्चों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। फरार बच्चों की तलाश में पुलिस जुट गई है। माना बाल सुधार गृह से नाबालिग भागे हैं, खिड़की तोड़कर फरार हुए नाबालिग, दीवार फांदकर भागे हैं नाबालिग। और संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कोई मौके पर मौजूद नहीं था, अचानक से नाबालिग जो है वो खिड़की तोड़कर भाग गए यहां से? देखिए, मामला सुबह 4 से 5 के बीच का बताया जा रहा है, जहां पर जो आपचारी बालक थे जिन पर मर्डर और जैसे कई अन्य अपराध जो दर्ज थे, उन्होंने सबसे पहले खिड़की का वो जो लोहे का वो दीवार है उसको तोड़ा, खिड़की को काटा है, उसके बाद वहां से वो निकले हैं, इसके बाद दीवार फांदकर वो बाहर हुए। इसकी जानकारी जैसे ही प्रबंधन को लगी, प्रबंधन इसकी पतासाजी में जुट गया। जब बालक नहीं मिले कोई भी, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस पतासाजी में अभी जुटी हुई, मामला दर्ज कर दिया गया है। इसमें सीधे तौर पर वहां बाल सुधार गृह के प्रबंधन की लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो मामला सामने आया था, 7 बालक जो हैं कैद में थे वो फरार हो गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया और लापरवाही का मामला भी सामने आ रहा है इन सभी मामलों में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कांकेर से बड़ी खबर है जहां पर एनआईए की टीम ने मारा छापा, आधा दर्जन जगहों पर छापा मारा गया है। नक्सलियों से जुड़ा है मामला, आमाबेड़ा, मुंजाल, गोंदी, जीवलामारी में छापा मारा गया। कई अहम दस्तावेज और करीब 39,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मौके से मोबाइल और प्रिंटर भी बरामद किया गया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको कांकेर से दे रहे हैं जहां पर एनआईए की टीम ने मारा छापा, आधा दर्जन जगहों पर छापा मारा गया है। नक्सलियों से जुड़ा है पूरा मामला, आमाबेड़ा, मुंजाल, गोंदी, जीवलामारी में छापा मारा गया। कई अहम दस्तावेज और करीब 39,000 रुपए बरामद हुए हैं। मौके से मोबाइल और प्रिंटर भी बरामद किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। और खबर सख्ती से है जहां पर मां से नाराज युवती ने